मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे इज टॉपिक वैक्सीन। कल की क्लास में मैंने वैक्सीन लिए थे। पहले वैक्सीन में मैंने आपको ईसीजी वैक्सीन, पोलियो एंड डीपीटी। तो टुडे इज नेक्स्ट वैक्सीन, मेजर वैक्सीन। मेजर वैक्सीन क्या होती है इसके बारे में बता दूं आपको। तो मेजर वैक्सीन लाइव एडमिटेड होती है और ये टिश्यू कल्चर फॉर्म में होती है। नेक्स्ट, ये हमें जो अवेलेबल होती है वो कुछ फॉर्म में होती है, वो पाउडर फॉर्म में होती है अवेलेबल, पाउडर फॉर्म में। अगर ये पाउडर फॉर्म में है तो हमें इसको डाइल्यूट करना पड़ेगा। डाइल्यूट किससे करेंगे इसको? डिस्टिल्ड वाटर से। डिस्टिल्ड वाटर कितनी क्वांटिटी लेंगे? 245 ml। यानी ये विजुअल वैक्सीन है जो हमें लाइव ट्यूब या टिश्यू कल्चर में से मिलती है, प्रिपेयर की जाती है बैक्टीरिया से। दूसरे हमें ये किस फॉर्म में मिलती है? पाउडर फॉर्म में। पाउडर फॉर्म में हमें इसको डाइल्यूट करना पड़ता है। डाइल्यूट करने के लिए हमें डिस्टिल वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, जो हमें कितनी क्वांटिटी लेनी होती है? 2.5 ml। नेक्स्ट लेते हैं इसमें हम एडमिनिस्ट्रेशन के, हम विजुअल वैक्सीन को कैसे एडमिशन करते हैं। सबक्यूटेनियसली इसको एड्रेस करेंगे राइट अपर आर्म। इसको सबक्यूटेनियसली राइट अपर आर्म में हम एडमिशन करेंगे। दूसरा क्या होगा, स्टोरेज कितना रखेंगे इसमें? 2 degrees to 8 degrees centigrade। नेक्स्ट, इसकी डोजेस क्या रखेंगे? 0.5 ml। अब है रिएक्शन, केस में क्या क्या रिएक्शन होते हैं। रिएक्शन में ज्यादा नहीं, रेस एंड फीवर, यानी मतलब स्किन का रेस एंड फीवर हो सकता है जो अगर इसमें हो सकता है। तो अगर हम कॉन्ट्रामिटेड या इन्फेक्टेड इम्यूनाइजेशन अगर इंजेक्ट करते हैं तब इसमें हमें जो रिएक्शन होता है वो होता है रिएक्शन TSS, यानी टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम। टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम कॉन्ट्रामिटेड या इन्फेक्टेड जो विजस वैक्सीन है उसको इंजेक्ट करने से होता है। उसमें क्या होता है? हाई फीवर, लो बीपी, सीवियर डायरिया, सीवियर वोमिटिंग। तो ये हो गया इसके रिएक्शन। नेक्स्ट है कॉन्ट्रा इंडिकेटेड। और वैसे विजुअल वैक्सीन में काफ़ी रिएक्शन होते हैं, तो उन रिएक्शन को रोकने के लिए हमें विजुअल वैक्सीन के साथ में हम एक जो डोज देते हैं वे होती है विटामिन ए। विटामिन क्यों देते हैं? क्योंकि ये मेजर वैक्सीन की रिएक्शंस को बैलेंस करती है, इसलिए विटामिन ए की डोजेस हमें देनी पड़ती है। कितनी देते हैं? 1 lakh इंटरनेशनल यूनिट। और कैसे देते हैं? ऑरली। ये डेली इसलिए होती है क्योंकि ये जो मेजर वैक्सीन के साइड इफेक्ट है ये उनको बैलेंस करती है। इस कारण से हमें मेजर वैक्सीन के साथ में विटामिन ए डोज को दिया जाता है, ऑरली दिया जाता है और दिया था। नेक्स्ट है आपके कॉन्ट्रा इंडिकेटेड के, जो मेजर वैक्सीन है इनके कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रहती है। तो पहला है सीवियर इलनेस, एलर्जिक या मालन्यूट्रिशन या कलवेदन, जिनको आते हैं उनको हम मेजर वैक्सीन नहीं दे सकते। नेक्स्ट है इम्यूनिटी। जो इम्यूनिटी है वो मेजर वैक्सीन में कब डेवलप होती है? मेजर या इम्यूनिशन के बाद में, वो 11 to 12 days के बाद जो इम्यूनिटी है वह डेवलप होती है। तो ये हो गया आपकी विजुअल वैक्सीन। विजुअल वैक्सीन पहले एडमिशन हो गया, स्टोरेज हो गया, डोजेज हो गया, रिएक्शन हो गए, कॉन्ट्रा इंडिकेशन हो गए, और साथ में एक मेन जो टॉपिक हो गया वो विटामिन ए। कि विजुअल वैक्सीन में हमें रिएक्शन की दो बैलेंस करने के लिए विटामिन ए की डोज दी जाती है। कितनी दी जाती है? 1 lakh इंटरनेशनल यूनिट और ऑरली दी जाती है। तो ये आपकी होगी विजुअल वैक्सीन। यू सीन द डायग्राम विजुअल वैक्सीन। दूसरी आरडीएनए यीस्ट
राइट एक्स में, तो यह दो फॉर्म में मिलती है, प्लाज्मा ड्राइव एक्शन है आरडीएनए इस वैक्सीन से। नेक्स्ट है इसको किस बोल से आईएम कब दिया था, 8 months, 6, 10 and 14 weeks, डोजेज कितनी होती है 0.5 ml। और इसका एक एडवांटेज होता है एवरेज बी वैक्सीन के इंजेक्ट या इम्यूनाइजेशन के बाद मिलने के बाद, यह प्री एंड प्रो एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस हमें देते हैं जो हमें एचबी इन्फेक्शन से प्रिवेंट करते हैं। एचबी इन्फेक्शन जैसे ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान या डिनर के या साथ जो इक्विपमेंट होते हैं उससे हमें जो इंजरी होती है उससे हमें इन्फेक्शन से हमें ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। तो ये हुई हमें हेपेटाइटिस बी वैक्सीन। अब नेक्स्ट देखते हैं हम यूसिंग द डायग्राम। टाइप ए एंड बी। तो ये इसमें आ गए टाइप वैक्सीन में मोनोवेलेंट बाइवेलेंट एंड ट्राइवेलेंट। नेक्स्ट है रूट, रूट जो रहता है इसमें सेपरेट से रहता है, डोज होती है 0.5 ml, जो स्टोरेज करते हैं इसको वो 2-4 degrees centigrade। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जो इंसेक्टिसाइड है वहाँ पर टेंडरनेस टैन शेडिंग कमी रहते हैं। नेक्स्ट है आप ओरल टाइप वैक्सीन जो सीरीज के लेंस से दो साइंटिस्ट जो मिलके इस वैक्सीन को तैयार किया था जो ओरल रूट से दी जाती है। पहला है 21A+4241 टाइप ए, दोनों मिलाते ये जो है कैप्सूल्स या टाइपर कैप्सूल्स तैयार किए गए थे प्रिपेयर किए गए थे, जिनकी डोजेस क्या होती है 1, 3, 5 and 7, जो चार डोजेज दी जाती हैं। तो ये हो गई आपकी टाइपर वैक्सीन। पहले हमने विजल वैक्सीन, विजल वैक्सीन के बाद हमने लिया हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, अब है टाइपर वैक्सीन। तो टोटल हमारी 6 वैक्सीन हो गई, BCG, OPV, TPD, विजल्स, हेपेटाइटिस बी एंड टाइपर। नेक्स्ट जो है कर लेंगे हम नेक्स्ट वैक्सीन। थैंक यू एवरीवन।